व्हाट्सएप चैट का एक किस्सा बहुत करीब से देखिए। कोरोना जैसी भयानक आपदा में कितना खतरनाक अवसर तलाशा गया है, यह देखकर रूह थर्रा जाएगी। इस आरोप को देखने के बाद टूट जाएगा यकीन अस्पतालों से। आदर्श की मौत के बाद परिवार वाले न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। पूरा मामला आदर्श की बहन से सुन लीजिए। मेरा भाई आदर्श कमल पांडे 15 सितंबर को इंटीग्रल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव आया था। लेकिन वो जब यहाँ से इंटीग्रल हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ तो वो काफ़ी दुखी था क्योंकि उसे पता था कि इस बीमारी के दौरान वो घर वालों से नहीं मिल पाएगा। वो काफ़ी इमोशनल हो गया था, लेकिन वो इसी जद्दोजहद में दुखी होकर आए दिन खाना नहीं खा रहा था। फिर भी वहाँ के स्टाफ इस बात का ध्यान नहीं दे रहे थे कि मेरा भाई खाना खा रहा है या नहीं। ये सनसनीखेज आरोप, मौत से पहले ये बता देना कि अब मुझे मार दिया जाएगा। मैं एनबीटी ऑनलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये शुरुआत से मेरे साथ मेरी लड़ाई में शामिल रहे हैं और उन्होंने मेरी बात तमाम जनता तक पहुंचाई और हर जगह पे मेरी बात रखी। और मैं तमाम मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इसके साथ ही साथ मैं एनबीटी ऑनलाइन इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। इन्होंने जिस तरह से बेबाक पत्रकारिता, निष्पक्ष मेरी चीजें रखी जनता के सामने। कहते हैं मीडिया एक स्तंभ होता है और इस स्तंभ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं एनबीटी ऑनलाइन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी बात रखी और मुझे न्याय दिलाने में मेरा साथ दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, एक लड़के की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसे लखनऊ के इंटीग्रल हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल से वीडियो भेजकर वो अपनी बहन को हॉस्पिटल के हालात बताता है। वो क्या कहता है जरा सुनिए। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जबरदस्ती के लिए बांध के रख ले रखा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं आदर्श पांडे, मैं ठीक हूँ एकदम, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं ठीक हूँ एकदम। गर्दन में दर्द है थोड़ी सी, पट्टा से बांध रखा था इन लोगों ने, उसकी वजह से लुक लाइक सुसाइड वाला हाल बना रहे थे। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, प्लीज़। आरोप सनसनीखेज थे। मौत से पहले बता दिया गया था कि अब मुझे मार दिया जाएगा, फिर वजह कोरोना बता दी जाएगी, ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे। आदर्श की मौत के बाद परिवार न्याय के लिए दर दर भटकता रहा। अधिकारियों ने खूब चक्कर लगवाए, खूब दौड़ाया, मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन परिवार था कि बेटे को मौत के बाद न्याय दिलाने की कोशिश में जुटा था। मामले की जानकारी एनबीटी ऑनलाइन को हुई तो आदर्श की बहन युक्ता पांडे के अंगार बन चुके आंसुओं को देश के सामने रखा। दूसरी ओर आदर्श का परिवार भी बेटे को न्याय दिलाने की कोशिशों में जुटा था। बीजेपी सांसद कौशल किशोर से लेकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक तक ने शिकायत की गंभीरता को समझते हुए सीएम योगी से जांच कराने की मांग को लेकर पत्र लिखे। अब सीएम योगी ने मामले में टीम गठित करके इंटीग्रल हॉस्पिटल और एरा मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मैंने सुना था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने आज से 2 महीने पहले ये लड़ाई शुरू की थी और उसका परिणाम ये हुआ कि आज 2 महीने मेरे भाई को दुनिया से गए होने वाले हैं और जिसके बाद मैं काफ़ी टूट गई थी, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी और मैंने अपनी बात लगातार सोशल मीडिया पे रखी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मीडिया के जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन्होंने मेरी बात जनता तक पहुंचाई उनके माध्यम से और मेरी बात लोगों तक पहुंची और मेरी पीड़ा पता चली। तमाम अधिकारियों तक मेरी बात पहुंची और उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुझे जांच के लिए और इधर उधर भटकाया, लेकिन मुझे पता था कि देर है अंधेर नहीं है। और माननीय सांसद कौशल किशोर जी की सहायता से मैं 20 नवंबर को योगी आदित्यनाथ जी से मिली। मैंने उनको अपनी व्यथा बताई कि कैसे लखनऊ के इंटीग्रल हॉस्पिटल एरा मेडिकल मानव तस्करी जैसे घिनौने काम करते हैं, जिसका शिकार मेरा भाई आदर्श कमल पांडे हुआ और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा।
तो उन्होंने मेरी व्यथा सुनी और निष्पक्ष जांच के आश्वासन दिए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब उन्होंने टीम को जांच के निर्देश दे दिए हैं और अब इन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष जांच करके सच को सामने लाएंगे, जैसे मैंने अभी तक दावे किए हैं। और मैं एनबीटी ऑनलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये शुरुआत से मेरे साथ मेरी लड़ाई में शामिल रहे हैं और उन्होंने मेरी बात तमाम जनता तक पहुंचाई और हर जगह पे मेरी बात रखी। खैर, लड़ाई लंबी चली, पूरे मामले का सच क्या है, दोषी कौन है, ये तो जांच में सामने आएगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ पुलिस व्यवस्था पर भी है। सरकार मिशन शक्ति चला रही है, कोरोना से लड़ाई के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सूबे की बिटिया एक बुजुर्ग दौड़ते रहे, कोशिश करते रहे कि कम से कम FIR यानी प्राथमिकी दर्ज हो जाए, लेकिन किसी ने उनकी शिकायत तक नहीं ली। बात सोचने वाली है, सरकारी दावों पर सवाल उठाने वाली है, लेकिन असल सवाल ये है कि लापरवाहियों पर सवाल उठाएगा कौन। लगातार बढ़ते आंकड़े, बेहिसाब दर्द, चीखें और आंसू, पहले पैसे की ही बात करते हैं, कभी गर्मी तीन तीन लोगों को हो गया। वो महामारी जिसने सबको रुला दिया, क्या बच्चा क्या नौजवान, पूरी दुनिया को हिला दिया। स्वास्थ्य महकमा, अस्पताल, सबकी पोल खुल गई, सारे फर्जीवाड़े की परतें धुल गई। कोरोना द गेम।